के सभी शिक्षकों को मनीष कुमार ने का नमस्कार। हमें अधिकतर इन्फॉर्मेशन डिज़ाइन करनी पड़ती है, सूचनाएं भेजनी पड़ती हैं और हम एक सारे कागज पर सूचनाओं को बनाते हैं। अब आप अपनी सूचनाओं को आकर्षक और स्पष्ट बना सकते हैं एक छोटे से ऐप के माध्यम से। इस ऐप का नाम है कैनवा। आप अपने मोबाइल में कैनवा जैसे ही प्ले स्टोर में सर्च करेंगे मिल जाएगा और आप इस प्रकार का जो कलर का आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने पर आप जब उसमें एंटर होंगे तो आपको इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। आप क्रिएट आ डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे। क्रिएट आ डिज़ाइन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट है, वाइट बोर्ड है, बहुत सारे वीडियो बनाना है आपको क्या करना है। ये बहुत अच्छा आपका ऐप है कैनवा, जिससे आप कई चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको अभी क्या करना है, अपनी सूचना बनाने के लिए हम यूट्यूब थंबनेल को क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यूट्यूब तो आपको एक ब्लैंक स्लाइड मिल जाएगी जो वाइट कलर की रहेगी। आपको यहाँ पर कई टेम्पलेट्स दिए गए, यदि आपको कोई टेम्पलेट लगाना है जैसे ये टेम्पलेट लगाना है आप यहाँ लगा दीजिए और फिर यहाँ पर सूचनाओं के लिए मान लीजिए आपको लगता है ये हमें नहीं चाहिए तो ये हटा देंगे, ये नहीं चाहिए ये हटा देंगे, अपन ये नहीं चाहिए ये हटा देंगे, ठीक है, और ये भी नहीं चाहिए तो ये हटा देंगे। तो हमें एक ऐसा पेज मिल जाएगा प्लान, तो हम इस प्लान पेज पर भी अपनी सूचनाओं को डिज़ाइन करेंगे। लेकिन बेहतर है कि आप एक जो तरह का तो आपको ये वाइट पेज मिल जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको इस पर इंफॉर्मेशन डिज़ाइन करनी है। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये आपका ब्लैंक पेज है। सबसे पहले आप टेक्स्ट पर ये आपका प्लेट जो है ये टूल प्लेट आपको यहाँ पर साइड में दिखाई देगी, तो आप इसमें टेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। टेक्स्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आपको सब हेडिंग ऐड करना है, हेडिंग बनाना है या कुछ ऐड करना है टेक्स्ट, तो आप हेडिंग ऐड अ हेडिंग कर दीजिए। तो आपने ऐड अ हेडिंग जैसे ही करेंगे तो आपको एक बॉक्स यहाँ पर ये मिल जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कार्यालय स्कूल का नाम जो है हेडिंग के रूप में बना लेंगे। जैसे भी परीक्षाएं चल रही हैं तो आप केंद्र अध्यक्ष आप जहाँ के भी हैं वहाँ की आप सूचना को बना सकते हैं। ये देखिए मैंने बनाया, मैं यहाँ पर ज़्यादा समय ना लगे वीडियो में इसलिए इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप इस प्रकार का एक बॉक्स लेकर के ये सूचना आप क्या करेंगे लिख लेंगे, और ये सूचना आप इस तरह से लिख लेंगे इस बॉक्स में, ये बॉक्स आपका तैयार होगा, ठीक है। इस बॉक्स को आपको यहाँ वहाँ करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप इसको सेट कर दीजिए। ये आपका बॉक्स सेट हो गया जिसमें आपके केंद्र का नाम आ गया, केंद्र क्रमांक आ गया, ठीक है। चलिए अब आपको इसमें टेबल ऐड करनी है। अब आप ये वाली टेबल ऐड करनी है, जैसे आपको दिनांक, विषय, परीक्षा का नाम और विषय कोड, दर्ज परीक्षा, ये सब आपको लिखना है। तो अब आप इसमें कैसे ऐड करेंगे टेबल, तो आप जाएंगे एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ टेबल का ऑप्शन मिलेगा। तो आप टेबल के ये फ्रेम आ गए हैं, यहाँ पर टेबल के ऑप्शन में आपको जाना है। ये टेबल का ऑप्शन है, ये बहुत सारी टेबल आपके सामने आ गई है। अब आपको एक टेबल ये डिज़ाइन करना है तो आप एक टेबल इंसर्ट कर लीजिए। जैसे ही आपने यहाँ पर टेबल इंसर्ट कर लिया तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले दिनांक इस बॉक्स में दिनांक लिख देनी है, इसमें विषय लिख देना है और इसमें लिख देना है परीक्षा का नाम। अब आपको लगता है कि हमें और कॉलम चाहिए और रो बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। आप मतलब अपने मोबाइल में ऐसा क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ ऑप्शन आएंगे। तो अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये आपने ऐड रो, तो ये है ऐड रो और ये है ऐड कॉलम। जैसे हम ऐड कॉलम पर क्लिक करेंगे तो एक कॉलम और ऐड हो गया, हम और करेंगे तो एक ऐड और हो गया। तो अब मेरे कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, हमें 7 कॉलम चाहिए तो अभी कितने हुए, 1 2 3 4 5, तो हम और भी कॉलम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, 6 हो गए, ये हमारे कॉलम हो गए 7। अब ये कॉलम बढ़ाए और घटाए जा सकते हैं इस तरीके से, इनको अपन घटा बढ़ा सकते हैं, किसी को छोटा कर सकते हैं, किसी को बड़ा कर सकते हैं। तो इस प्रकार की आप टेबल, अब पहले कॉलम में अपन को लिखना दिनांक, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे इस बॉक्स को और यहाँ पर हम दिनांक लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका हिंदी टाइपिंग टूल जो है वो आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर दिनांक आप लिख देंगे। फिर आप दूसरे को सिलेक्ट कर लेंगे, दूसरे में क्या लिखना है, विषय, तो आप इस तरह से विषय यहाँ पर लिख देंगे तो ये विषय आ जाएगा। यहाँ पर अपन ने इसको सिलेक्ट कर लिया और फिर हम लिख देंगे यहाँ पर विषय, ठीक है, तो ये विषय लिख गया। ऐसा करके आप ये सारी सूचनाएं के जो भी कॉलम में आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही वो डिज़ाइन कर लीजिए, और नीचे आपको फिर उसी तरह से दूसरा, अब आप चाहते हैं कि ये रो तो ज़्यादा हो गई तो इनको अलग भी किया जा सकता है,
इनको अलग कैसे किया जा सकता है, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, मतलब आप मोबाइल में जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो नीचे ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो देखिए लिखा है डिलीट कॉलम कि डिलीट रो, तो अपने डिलीट रो कर दी, और हमें एक डिलीट रो करनी है तो हमने ये डिलीट रो कर दिया। ठीक है, अब हमने ये अपना बना लिया। अब इस टेबल को हमें कहाँ रखना है, कहीं भी बीच में रखना है, यहाँ पर सेट कर लिया। इनके कॉलम अपने यथावत इस प्रकार से जो मैंने बनाए हैं आप बना देंगे। ठीक है, और लास्ट में फिर आपको केंद्राध्यक्ष का नाम वगैरह लिखना है। फिर हम जाएंगे कहाँ पर, फिर जाएंगे टेक्स्ट में, टेक्स्ट में जा करके एड हेडिंग फिर ले लेंगे हम। ये एड हेडिंग आ गया, एड हेडिंग करके एक बॉक्स में फिर हम यहाँ पर केंद्राध्यक्ष का नाम मनीष कुमार ने, फॉन्ट वगैरह कलर आप चूज़ कर लीजिएगा, और फिर आप कुछ इस तरह से इसको सेट कर दीजिएगा। अब आपको ये आइकॉन लगाना है मान लो, तो ये बात की बातें हैं, इसको हम बाद में बताएंगे। फिलहाल आप इसका प्रयोग करके इस तरह अपनी सूचना को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आकर्षक भी लगेगी और बहुत आपका जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक बार आपने यदि इसको बना लिया तो बस इसी को कॉपी करके आप दूसरे दिन की परीक्षा जो है उसकी डेट बदल दीजिए, उसका विषय बदल दीजिए, परीक्षा का नाम बदल दीजिए, विषय कोड और दर्ज परीक्षार्थी ऐसे बदल कर आप रोज़ाना एक स्लाइड बस बना करके डुप्लीकेट कर करके आप पूरे पेपर्स के इसके इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। मैं ऐसे ही भेजता हूँ, तो मुझसे कहा गया था कि सर आप इसका एक तरीका बताएं, तो मैंने ये आपको तरीका बताया। अब देखिए ये तो बन गया, अब इसको आपको क्या करना है, आप जाएंगे अपने मोबाइल की टॉप पर तो आपको एरो दिखाई देगा शेयर का, है ना, या डाउनलोड का, तो आप इसको शेयर पर क्लिक करेंगे। इसको ध्यान से देख लीजिए ताकि आप अच्छे से इसको कर सकें। अब आप क्या करना है, आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड में ध्यान देना फाइल टाइप यहाँ पर जो PDF है वो ना हो, यहाँ पर आपको JPG या PNG लेना है, तो हम मैंने JPG सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर इस स्लाइड में मेरे 15 पेज हैं, मुझे 15 नहीं, मुझे पेज क्रमांक एक चाहिए, तो मैंने एक पर क्या कर दिया, ये आपका सेलेक्ट कर लिया, बाकी को छोड़ दिया और डन कर दिया। डन करने पर डाउनलोड कर दिया, देखिए ये हमारी फाइल डाउनलोड होने लगी, ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया। और अब हमसे पूछा जा रहा है कि फाइल की लोकेशन, ये मेरे लैपटॉप में इसलिए ऐसा आ रहा है, आपके मोबाइल में डायरेक्ट आपकी गैलरी में ये सेव हो जाएगा। हम डेस्कटॉप पर इसको क्या करते हैं, ठीक, सेव कर लेते हैं, और ये हमने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, ये हमारे डेस्कटॉप पर इंफॉर्मेशन पहुंच गई। अब अपन खोल कर देखते हैं इसको कि ये सेव हुई और कैसी दिखाई देती है। ये देखिए आपकी इंफॉर्मेशन ये आ चुकी है डेस्कटॉप पर जो अभी अपन ने बनाई है, ये हमारी केंद्राध्यक्ष वाली ये इन्फॉर्मेशन आ गई। ये देखिए आपकी स्लाइड बन गई, केंद्राध्यक्ष शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरी, और यहाँ पर ये नाम आ रहा है केंद्राध्यक्ष का, और इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन को डिज़ाइन कर लेंगे। और फिर जा करके आप अगर आप PNG और JPG में बनाएंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसी ही जाएगी, आप PDF में मत बनाइएगा, और यही आप अपने WhatsApp पे पोस्ट कर दीजिएगा, इतनी सी बात है। यदि आपको कोई समस्या होती है इन सब चीज़ों को हैंडल करने में तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर मेरे चैनल पर है यूट्यूब पर, और फिर भी बता देता हूँ 9406588359 पर आप WhatsApp करिएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। ठीक है, और आप पूरी टेक्नोलॉजी के साथ इस अपने काम को बहुत आकर्षक बना सकते हैं। धन्यवाद।